हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड थ्री का एग्ज़ाम्स शुरू हो चुका हुआ है और 31 का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके मैथ्स और रीजनिंग के मैंने क्वेश्चंस का वीडियो बना भी दिया हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आया है। आपने देखे हो भी होंगे कि उस तरह क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो पे क्वेश्चंस बनाए भी थे और इस तरह क्वेश्चंस इजी से इजी क्वेश्चंस था और कैसे हम लोग क्वेश्चंस को आंसर को हम लोग फाइंड किए थे विद इन सेकेंड, मैंने दिखाया भी था अपने चैनल पर। तो उसी बेस पे आज हम लोग कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले जो अभी एग्ज़ाम्स है ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड थ्री का, वहाँ इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे कि अब ये जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं लेके आ रहा हूँ, जो ये जो कल का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 जनवरी को, ठीक है, तो इस दिन का अब इसी पे बेस पे हम लोग क्वेश्चंस आज करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों अब देखोगे कि इस तरह का परसेंटेज कल के एग्ज़ाम्स में पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे परसेंटेज है, तो 8% को रिप्लेस करोगे तो नीचे आ गया 100 एंड देन इनटू 400, ठीक है ना। ये 20 20 कैंसिल, यानी 8 4 32, ये इजी था, ठीक है। तो ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, परसेंटेज है यानी 20 आप कैंसिल कर दोगे, ऑफ है इनटू है 8 4 32 डायरेक्ट, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये कल के एग्जाम्स में इस तरह के प्लस माइनस का भी क्वेश्चंस आपसे पूछा गया हुआ था, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम लोग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखोगे आपका ये क्या है, प्लस है तो प्लस ही कर लेते हैं हम लोग, या फिर आप डायरेक्ट इससे माइनस भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 8, और अगर 14 को ऐड कर दे तो ये हो गया आपका 22, ठीक है। अब देखोगे ये माइनस 8 है प्लस 6 है, तो माइनस कर ही देते हैं यहीं पे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2, है ना, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा का साइन आएगा, और 8 से 6 गया तो 2 आया। अब 22 से 2 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना होगा, 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कल का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 31 जनवरी को, इस तरह क्वेश्चंस आए भी थे, मैंने वीडियो बनाया भी हूँ, मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उस क्वेश्चंस बेस पे मैंने क्वेश्चंस को बनाया। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। दोस्तों 31 के एग्जाम्स के दिन प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चंस आया था, ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, इस तरह क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने इस तरह क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए प्रैक्टिस सेट में, डायरेक्ट मैंने चैप्टर वाइज भी वीडियो बनाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस कॉमन गिरा भी था। अभी इसके पहले जो एग्ज़ाम्स हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, वहाँ भी इस तरह क्वेश्चंस डायरेक्ट कॉमन गिरा हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखोगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स यानी 20 ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू यानी इक्वल है, एंड देन सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल यानी सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एसपी, कितना आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स, सो 15 एसपी। अब हमें करना क्या होगा, अब मैंने बताया भी था कि इस तरह क्वेश्चंस को करना क्या होगा, सीपी बाई एसपी करेंगे या फिर एसपी बाई सीपी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, चलो सीपी बाई एसपी, तो यहाँ हो गया 15 और ये 20 कहाँ हो जाएगा, इसके नीचे आएगा 5, जितना छोटा हो सके छोटा कर लेंगे हम लोग, तो ये हो गया 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा एंड देन 5 4 जा, यानी क्या मिला आपको, 3/4। तो देखोगे ऊपर सीपी है ना, तो सीपी यानी ऊपर वाला को लेंगे, एज्यूम कर लेंगे सीपी इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़/3 यूनिट, ठीक है, एंड देन एस पी ये नीचे है यानी नीचे का 4, सो एस पी हो गया 4, क्लियर। तो अगर एस पी बड़ा हो तो प्रॉफिट होगा, अगर सी पी बड़ा हो तो क्या होगा, लॉस होगा, बट यहाँ पे कौन सा बड़ा दिख रहा है, एस पी दिख रहा है यानी प्रॉफिट होगा, ठीक है। कितने का प्रॉफिट होगा, तो क्या करते हैं, एस पी से सी पी को माइनस करते हैं, तो 4 से 3 को माइनस किए तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का होगा, तो ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। दोस्तों फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, है ना, तो हो गया आपका प्रॉफिट यानी 1 का प्रॉफिट, एंड देन सी पी, हमेशा सी पी नीचे आएगा, जब हम लोग लॉस भी निकालेंगे तो भी सी पी क्या होगा, नीचे ही होगा, ठीक है। एंड देन अब ये सी पी कितना है, 3 है इंटू 100, तो दोस्तों क्या मिला, 100/3।
तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 33 1 बाई 3, ठीक है ना, ये होगा आपका 100 बाई 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे तो 33 1 बाई 3%, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, कल के शिफ्ट में ही मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आए थे, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में आए अगर नेक्स्ट जो कल जो एग्जाम होने वाला है, तो अब उस क्वेश्चंस को कैसे करोगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब ये मल्टीप्लाई है, तो अब इस क्वेश्चंस को देखोगे दोस्तों, सबसे पहले तो आप टेबल आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि टेबल अगर लर्न है तो विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हो, एटलीस्ट 20 तक तो टेबल लर्न होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखोगे, अब ये 19 है, तो 19 से 15 7 कितनी बार में जाएगा, 3 बार, ठीक है ना। अब उसके बाद देखोगे, अब ये 14 से ये हो गया 75 टाइम्स, अब ये 5 से 20 गया आपका 4 टाइम्स, ठीक है, एंड देन 3 से 21 गया आपका 7 बार, यानी आंसर मिला क्या 4/7, और तो कटने वाला है नहीं, सारे कट गए, सारे कैंसिल हो गए, तो आंसर हो जाएगा 4/7, ठीक है, क्लियर। तो कब, जब आपको टेबल लर्न है तो आप विद इन सेकेंड आंसर को निकाल सकते हो, नहीं तो वही कैंसिल करोगे, समय ज़्यादा लगेगा। अब ये 5 to 10 सेकेंड्स के बीच में ही आप कर सकते हो इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया 4/7, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है कि इट इज़ ट्यूजडे ऑन 1st of July, ये कैलेंडर से का क्वेश्चन है, कैलेंडर के क्वेश्चंस भी आए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी जो आने वाले शिफ्ट है वहाँ भी एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, मैंने ऑलरेडी कैलेंडर के क्वेश्चंस बनाए भी हूँ, ये चैप्टर वाइज बनाया हूँ, वहाँ पे आप अगर नहीं देखे हो तो देख लोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखोगे कि ट्यूजडे 1st of July, तो दोस्तों 1st July को ये कौन सा दिन था, ट्यूजडे था, एंड देन व्हाट डे विल इट बी ऑन 1st of August इन द सेम ईयर, सेम ईयर का ही क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ के कब रहा है, 1st of August, 1st अगस्त के दिन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, तो देखोगे अब ये कौन सा मंथ का था, जुलाई, तो दोस्तों जुलाई में टोटल डे कितने होते हैं, 31 डेज, ठीक है। तो ये कौन सा डे का आपको दिया हुआ, ये आपको देखना है, तो ये 1st day है ना। तो आपको करना क्या है कि जितना दिन होगा, जुलाई हो या फिर कोई और भी मंथ हो, उसमें क्या करना है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे जुलाई है, तो टोटल कितने हो गए, 31, कौन सा डेट दिया हुआ है, 1st, तो 1st को क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, यहाँ आ गया 30, ठीक है। अब आगे की तरफ जो आपको फाइंड करना है, जुलाई, देन उसके बाद क्या होगा, अगस्त ही होगा, तो कौन सा डेट, अगर सेम मंथ आ गया उसके बाद नेक्स्ट मंथ आ गया, तो अगर उस मंथ में जो डेट होगा उसी डेट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ कौन सा है, 1st, तो ये 1st। एक तो प्रोसेस यहाँ तक हो गया, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है आपको, एक तो प्रोसेस है कि इन दोनों को प्लस कर दोगे और उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और दूसरा एक ये भी प्रोसेस है कि आप डायरेक्ट यहीं पे 7 से आप 30 को ही पहले डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, ओड कितना आया, यानी रिमाइंडर कितना आया, 2, बचा कितना इधर, 1, तो 1 डोज तो डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि 7 से क्या है, छोटा ही है, तो प्लस 1, टोटल कितना हो गया, तो दोस्तों आपको कितना मिला, 3 डेज ओड डेज, ठीक है। तो यानी 1st जो था आपका जुलाई, ये कौन सा था, ट्यूजडे, तो अब उसके बाद ये 3 डेज को क्या करना है, आगे की तरफ हमें प्लस करेंगे, जैसे हो गया 1, 2 एंड देन 3, ठीक है। तो ट्यूजडे एंड देन ये हो गया आपका वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे, तो ये 3rd वाला दिन कौन सा हो गया, फ्राइडे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर फ्राइडे, क्लियर, तो जो कि ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अब ये भी देखोगे ये सीरीज का क्वेश्चंस कल के एग्जाम्स में पूछा गया था, तो ये
मैं इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस को करना क्या है कि सबसे पहले तो सीरीज़ को ध्यान से देखोगे कि सीरीज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो देखोगे कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी एक नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन हो रहा है यानी डिक्रीज़ हो रहा है। तो कैसे करके डिक्रीज़ हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ देखोगे यहाँ है पहला जो है 800 देन 400, तो ये इसका हाफ हो गया ना, है कि नहीं, यानी डिवाइड बाई अगर 2 है तो चलो ठीक है आगे देखते हैं। 400 का हाफ दोस्तों ये भी हो गया डिवाइड बाई 2, यानी इसका हाफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 200 का हाफ करोगे तो 100, देन 100 का हाफ करोगे तो ये कितना होगा दोस्तों 50, देन 50 का हाफ करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 50 का हाफ करोगे तो दोस्तों कितना होगा 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ दिया हुआ है कि अ सम ऑफ रुपीज़ 12,500 अमाउंट्स टू रुपीज़ 15,500 इन 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ये आए भी थे आपका 31 जनवरी के जो एग्ज़ाम्स हुआ था वहाँ इस तरह क्वेश्चन आए थे, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाया हूँ प्रैक्टिस सेट में, तो यहाँ भी इस क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ ताकि इस तरह क्वेश्चंस आए तो आप कर पाओ एग्जाम्स में। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखोगे अ सम ऑफ रुपीस, यानी ये सम, सम मीन्स हो गया दोस्तों ये प्रिंसिपल आपको गिवन है, ठीक है ना, 12,500। उसके बाद अमाउंट टू रुपीस, यानी दोस्तों ये अमाउंट दे दिया हुआ है 15,500, ठीक है। तो दोस्तों अब ये किस तक किसका क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, 4 इयर्स पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो अब कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट सबको फाइंड करते हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो 15,500 इधर है आपका 12,500 से अगर माइनस करते तो कितना होगा 3,000 होगा, है ना। तो इंटरेस्ट मिला सिंपल इंटरेस्ट 3,000, ठीक है। कितने इयर्स पे दोस्तों, टाइम भी दे दिया हुआ है 4 इयर्स, आपसे पूछ क्या रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर। तो एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SI इज इक्वल्स टू PRT/100, स्कूल लाइफ से पढ़ के आ रहे हो आप PRT/100, तो SI कितना है दोस्तों 3,000, ठीक है। और दोस्तों अब ये 100 कहाँ जाएगा, यहाँ इस साइड आएगा तो इंटू हो जाएगा ना, तो ये हो गया 100 डिवाइड बाई ये पी गिवन है 12,500, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 12,500 एंड देन इनटू ये आर और टी है। तो दोस्तों फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, टी गिवन है ना, ये हो गया आपका 4 इयर्स, तो इनटू हो गया 4 इज इक्वल्स टू हो गया आर। अब इसको कैंसिल कर दोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैंसिल कैसे करेंगे, ये दो जीरो कैंसिल, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल कर दे तो 25 फोर जा 100 एंड देन 25 को कैंसिल कर दे इसको कितने बार में, 5 बार में 25 5 जा 125, 5 से कैंसिल कर देते हैं ये बचा कितना ऊपर 30, सो कितने बार में 6 बार, और तो कैंसिल सारे कैंसिल हो गए, तो R इज इक्वल्स टू क्या मिला दोस्तों 6, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6%, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड करना है ना। तो दोस्तों सीरीज को ध्यान से देखोगे तो सीरीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो प्रोसेस है कि एक गैपिंग, दूसरा प्रोसेस ये है कि देखोगे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, अगर गैपिंग करेंगे तो क्योंकि अचानक से नंबर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ 3 है, 3 को अगर 12 लाना है तो 3 एंड देन इनटू 4 कर दें, 4 3 जा 12, 27, 3 के टेबल में 27 भी आएगा क्यूब में, 3 के टेबल में 48 भी आ जाएगा 3 के टेबल में। हाँ, अब ये देखोगे दोस्तों ये सारे नंबर जो है ना, जो स्टार्टिंग जो आपको दिख रहा है 3, ये सारे नंबर बाकी नंबर्स 3 के मल्टीपल हो रहे हैं, है ना। तो अब प्रोसेस लगाते हैं, यहाँ पे क्या प्रोसेस यूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 एंड देन ये है 4, ये है आपका 9 ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर,
टू स्क्वायर दोस्तों फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व आया। नेक्स्ट ये थ्री एंड देन 27, थ्री के टेबल में 27 कब आएगा दोस्तों, नाइन थ्री जा 27 यानी थ्री का स्क्वायर, ये हो गया आपका कितना 12 ना, हाँ ये हो गया नाइन थ्री जा 27, 48, 16 थ्री जा 48 तो फोर का स्क्वायर। तो आपको पता चल चुका होगा प्रोसेस क्या हो रहा है, थ्री टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, फाइव स्क्वायर दोस्तों क्या होगा 25, 25 थ्री जा 75 एंड देन ये कितना हुआ था 5 एंड देन 6, 6 स्क्वायर दोस्तों 36, 36 थ्री जा 108, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा दोस्तों 7 का स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर से किसको इंटू कर देंगे 3 को, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 9 थ्री जा 27 और ये हो गया आपका 2, 4 थ्री जा 12 और 2 हो गया 14 यानी आंसर हो गया 147। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों आज मैंने कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने करवाया, जो अभी 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम्स हुआ था ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का, उस बेस पे जो क्वेश्चंस आया था उसी बेस पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। ये आने वाले जो शिफ्ट एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।